G20 आजकल काफी सुर्खियों में चल रहा है, हालांकि काफी समय से चल रहा है, लेकिन आजकल सुर्खियों में इसका रहने का सबसे बड़ा विशेष कारण ये है कि इसकी मीटिंग जम्मू कश्मीर के कश्मीर क्षेत्र में हो रही है 22 और 24 तारीख को। ये इसके ऊपर हर किसी की नजर इसलिए है क्योंकि कश्मीर में जो हालात आपको हमेशा देखने को मिलते हैं, इसलिए वहां पर ये मीटिंग करवाई जा रही है कि वहां के हालात उनके ऊपर नजर दौड़ाई जाए कि वहाँ पर किस तरह के हालात अभी मौजूद में चल रहे हैं, और जो वहाँ पर पहले एक टूरिज्म हुआ करता था जो अभी भी बहुत अच्छा है, बहुत ही स्टेबल है, उसको किस तरीके से आगे और बढ़ाया जाए। इस बार G20 का मेन उद्देश्य भी यही है कि टूरिज्म को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया जाए जिससे हमारी इकानमी बढ़ चढ़ कर बड़ी हो जाए। जो वर्ल्ड लार्जेस्ट इकानमी 3rd नंबर पर हमारी चल रही है, वो एक बढ़िया एक नंबर पर आए, ये इसका थीम है। इसका वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इसका मेन थीम है। तो G20 अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है जिसमें ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज है, जिसका मेन उद्देश्य यही है कि स्टेबिलिटी को बढ़ाया जाए, क्लाइमेट इफेक्ट के ऊपर भी नज़र दौड़ाई जाए। जो भी हमारा ट्रेड चलता है एक कंट्री के साथ दूसरी कंट्री के साथ, उसको कैसे मैनेज किया जाए, उसको कैसे स्टेबल किया जाए, कैसे एक कंट्री की दूसरी कंट्री की जो इकानमी है उसको स्टेबल किया जाए, और कैसे जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है उसको मेंटेन रखा जाए, और कैसे अपनी इकानमी को ग्रो किया जाए। हाल ही में आपने देखा होगा कि एक साल से 2022 से 2023 तक ये जो काम G20 का आपको पूरा देश में आपको देखने को मिल रहा है, जगह जगह बड़ी बड़ी इसकी होर्डिंग लगाई जा रही है, चाहे दिल्ली एक शहर का हो या कोई और शहर का हो। आजकल हमारे जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलेगी बड़ी बड़ी होर्डिंग फ्लाईओवर के बीचों बीच लगाई जा रही है, कहीं और जगह पर लगाई जा रही है कि यहाँ पर इस तरह का कोई प्रोग्राम होने जा रहा है। ये हमारे जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बड़ी बात है जो G20 का सम्मेलन हो रहा है, और खासकर हमारे कश्मीर में इस तरह की मीटिंग हो रही है जो कि टूरिज्म को लेकर हो रही है। इसमें मैं अपनी बात ये रखना चाहूँगा कि साथ ही जो जम्मू डिवीजन का जो एरिया है उसमें जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जिसमें ज़्यादातर किश्तवाड़ एरिया डोडा एरिया के जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, उनके ऊपर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए ताकि वो भी इम्प्रूवमेंट हो जाए और वहाँ पे भी टूरिज्म का सेक्टर बढ़े, वो भी इस G20 की मीटिंग में होना चाहिए। ये हम गुजारिश करेंगे अपने IG साहब, गवर्नर साहब से भी, साथ ही मोदी गवर्नमेंट से भी कि वो इस बात को भी G20 में रखे, क्योंकि आपका मेन फोकस तो टूरिज्म को बढ़ाना ही है। तो आप तो जानते ही हो कि जम्मू कश्मीर को जन्नत कहा जाता है और सबसे बड़ा टूरिज्म हब भी कश्मीर है, और साथ में हमारा जम्मू डिवीजन जिसको हमेशा इग्नोर किया जाता है क्योंकि हर कोई इसको कश्मीर के नाम से ही जानता है। इसलिए अब हम ये चाहते हैं कि लोग इसे जम्मू कश्मीर के नाम से जाने, ना कि सिर्फ कश्मीर के नाम से जाने, क्योंकि हर किसी के दिमाग में ये सिर्फ कश्मीर ही रहता है। अभी भी ये मीटिंग हो रही है तो लोगों को सिर्फ इतना पता है कि ये कश्मीर में हो रही है, ना कि जम्मू कश्मीर में हो रही है। इसलिए मेरी ये बार बार आपसे भी अपील है कि आप भी हमेशा कोशिश करें कि जम्मू एंड कश्मीर का नाम लें, ना कि कश्मीर का। जब भी कोई कोई आतंकवादी हमला होता है, कोई भी दुर्घटना होती है, तो उसको कश्मीर के साथ जोड़कर लिया जाता है। अगर कोई जम्मू का बच्चा सेलेक्ट होता है किसी बड़ी पोस्ट के लिए, किसी बड़े पद के लिए, उसको जम्मू कश्मीर का कहा जाता है, लेकिन अगर कश्मीर का होगा तो उसको कश्मीर का ही कहा जाएगा, लेकिन अगर जम्मू का है तो फिर जम्मू का क्यों नहीं कहा जाता है। इसलिए मैं ये भी अपील करूंगा कि जम्मू कश्मीर का नाम जम्मू कश्मीर को लेके ही कहा जाए, ना कि कश्मीर का। जैसा कि अभी जो समिट हो रहा है, जो मीटिंग हो रही है, उसमें अभी कहा जा रहा है कश्मीर में इसकी मीटिंग हो रही है, जम्मू कश्मीर का नाम इसमें नहीं लिया जाता है। आप किसी और स्टेट की बात करो, अगर आप उत्तराखंड की बात करते हो जिसमें कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र है, तो उसको पूरा उत्तराखंड नाम से जाना जाता है, ना कि कुमाऊं या गढ़वाल। ऐसे ही जम्मू कश्मीर भी है जिसका अंतराल 300 किलोमीटर का फासला है, जिसको जम्मू और कश्मीर कहते हैं, और उसको भी इनने बांट के रख दिया। इसलिए जम्मू कश्मीर एक है और ये एक ही रहना चाहिए। और जो टूरिज्म है, जो टूरिज्म को बढ़ाना का काम इस बार G20 में हो रहा है, तो इसमें हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि जम्मू के जो एरिया हैं उनको भी इसमें लाया जाए, ताकि जम्मू कश्मीर का पूरा नाम एक पूरी कंट्री में जाना जाए।